Hello students, good afternoon all of you. So in our last lecture we have studied up to the north state of the north India. ठीक है, north Indian states को हमने जो है वो detail में study किया था, उनके rulers के बारे में. ठीक है, हमने गुर्जर प्रतिहार kingdom से start किया था. उसका जब end हो गया था, decline हो गया था उसके end, मतलब उसकी जो ruling का, जो kingdom का decrement हो गया था, तो यहाँ पे कई सारे और स्टेट्स एस्टैब्लिश हुए थे. उनके रूलर्स के बारे में हमने स्टडी किया था. अब हम साउथ इंडियन स्टेट्स और उनके रूलर्स के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, द स्टेट्स लोकेटेड इन द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा. तो हम गुजरात से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो गुजरात में जो है वो रिवर नर्मदा कहाँ पर है, साउथ में सिचुएटेड है, लोकेटेड है. ठीक है, कॉल दी साउथर्न स्टेट्स. तो नर्मदा की जो साउथ, नर्मदा जो रिवर है उसके साउथ में जितने भी स्टेट लोकेटेड हैं उन सारे स्टेट्स को क्या कहा जाता है, साउथर्न स्टेट. तो यहाँ से आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि डिफाइन द साउथर्न स्टेट्स. सो द स्टेट्स विच आर लोकेटेड इन साउथ ऑफ रिवर नर्मदा आर कॉल्ड साउथर्न स्टेट्स. ओके, इन द 8th सेंचुरी की बात करें. ठीक है, तो मैनी स्मॉल एंड लार्ज डेंसिटीज़ बिकेम इंडिपेंडेंट इन साउथ इंडिया एज वेल एज नॉर्थ इंडिया. तो काफ़ी सारी डेंसिटीज़ जो थी, लार्ज डेंसिटीज़, ठीक है, तो सिर्फ लार्ज ही नहीं, स्मॉल डेंसिटीज़ भी थी. तो बहुत सारी ऐसी डेंसिटी थी जिसमें कुछ स्मॉल थी, कुछ लार्ज थी, तो वो क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में इंडिपेंडेंट हो गई थी एज वेल एज इन नॉर्थ इंडिया, दोनों में सेम टाइम पे जो है वो इंडिपेंड हो गई थी. सो लेट्स ऑब्टेन सम इंफॉर्मेशन अबाउट द डेंसिटीज़ और लाइक चालुक्य, राष्ट्रकूटा, पल्लव, चोल, पांड्या एंड चेरा. ठीक है, तो ये सारे जो है वो डेंसिटीज़ हैं. ठीक है, उसमें फर्स्ट चालुक्य के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद राष्ट्रकूटा, देन पल्लव, देन चोल, देन पांड्या एंड चेरा. ठीक है, तो इस तरह से ये सारी जो डेंसिटी हैं उनके बारे में वन बाय वन हम स्टडी करेंगे. तो हम चालुक्य डेंसिटी से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट किंग ऑफ चालुक्य डेंसिटी वॉज, हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ चालुक्य डेंसिटी, किंग जयसिंह. जयसिंह जो थे वो चालुक्य डेंसिटी के फर्स्ट किंग थे. ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फर्स्ट किंग ऑफ चालुक्य डेंसिटी. सो किंग जयसिंह वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ चालुक्य डेंसिटी. सो इन 540 AD की बात करें तो वटापी वॉज मेड द कैपिटल एंड अ सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट वॉज एस्टाब्लिश्ड बाई पुलकेशी फर्स्ट. तो ओल्ड सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर था, टू बिग स्टेट्स, ठीक है, तो उसके बारे में, उसमें हमने स्टडी किया था कि पुलकेशी जो है वो किसके राजा थे, वटापी के राजा थे. तो वटापी को कैपिटल किसने बनाया था और सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट किसने बनाया था बेटा, पुलकेशी फर्स्ट ने बनाया था. ठीक है, दिस डेंसिटी इज़ नोन एज चालुक्य डेंसिटी. ठीक है, और ये जो डेंसिटी जो है उसको चालुक्य डेंसिटी ऑफ वटापी कहा जाता है. प्रेजेंट डे बादामी, अभी जो है वो प्रेजेंट डे में हम जिसको बादामी बोलते हैं, ठीक है, उस टाइम, मतलब अर्लियर टाइम पे उन, यानी कि जो किंग पुलकेशी फर्स्ट जो थे उनके टाइम पे वटापी कहा जाता था बादामी. इन दिस डेंसिटी देयर वर इम्पोर्टेंट रूलर्स लाइक कीर्तिवर्मन. अब ये जो चालुक्य डेंसिटी है उसमें कई सारे इम्पोर्टेंट रूलर्स हुए हैं जिसमें कीर्तिवर्मन, पुलकेशी फर्स्ट एंड पुलकेशी सेकेंड, ये थ्री इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं. When the power of वटापी चालुक्य was weakened, जब मतलब वटापी के जो चालुक्यस जो थे उनका पावर वीक हो गया था, ठीक है, अब वो कमज़ोर हो गए थे, तब जो है वन ऑफ दियर ब्रांचेज वॉज एस्टाब्लिश इन द रीजन बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स. तो उन्होंने अपनी ब्रांच को जो है वो दूसरी जगह एस्टाब्लिश किया. उन्होंने नर्मदा के साउथ से हट के वो कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच का जो रीजन होता है, बिटवीन रीजन जो होता है, रीजन बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, उसके बीच में उन्होंने अपनी ब्रांच को जो है वो एस्टाब्लिश किया. और दिस ब्रांच वॉज एस्टाब्लिश्ड बाय विष्णुवर्धन. और इस ब्रांच का जो एस्टाब्लिशमेंट हुआ था वो किस, कौन से किंग ने किया था बेटा, विष्णुवर्धन ने किया था. एज दिस चालुक्य रूलर्स ऑफ ईस्ट मेड वेंगी, यानी उन्होंने वेंगी बनाया था देयर कैपिटल. ठीक है, तो वेंगी को जो है उन्होंने अपना कैपिटल बनाया था. ये चालुक्य रूलर्स जो, यानी कि विष्णुवर्धन ने जो कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर के बीच का जो रीजन बनाया था, वहाँ के जो चालुक्य रूलर्स बने थे वो ईस्ट में बने थे. ऑफ ईस्ट मेड वेंगी डियर कैपिटल,
जो ईस्ट के जो चालुक्य रूलर्स थे उन्होंने वेंगी को अपना कैपिटल बनाया था। दे वर नोन एज वेंगी चालुक्यास, क्योंकि उन्होंने वेंगी को अपना कैपिटल बनाया था और चालुक्य रूलर्स थे, तो वहाँ के रूलर्स को क्या कहा गया, वेंगी चालुक्यास कहा गया। ठीक है, तो वो सारे चालुक्यास वेंगी चालुक्यास के नाम से जाने गए। लाइक वटापी एंड वेंगी, कल्याणी ऑल्सो हैड अ ब्रांच ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। तो कल्याणी करके एक और मतलब डायनेस्टी मतलब ब्रांच बनी चालुक्य डायनेस्टी की। ठीक है, तो वटापी, वेंगी और कल्याणी ये तीनों अब तक की जो है वो चालुक्य डायनेस्टी की जो है वो ब्रांचेज हैं। दिस चालुक्यास वर नोन एज चालुक्यास ऑफ कल्याणी। ठीक है, तो वटापी के जो चालुक्यास थे उसको वटापी चालुक्यास कहा गया, वेंगी के चालुक्यास को वेंगी चालुक्यास कहा गया, और कल्याणी जो ब्रांच थी वहाँ के जो चालुक्य डेंसिटी के जो किंग्स थे उनको क्या बोला गया, चालुक्यास ऑफ कल्याणी कहा गया। ठीक है, द पावर ऑफ राष्ट्रकुटा डेंसिटी। अब चालुक्य डेंसिटी को जो है वो हम स्किप करते हैं, मतलब उसके बारे में जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली। अब हम राष्ट्रकूटा डायनेसिटी पे आते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारी साउथ इंडियन स्टेट की डेंसिटीज़ जो हैं उसमें फर्स्ट चालुक्य थी, सेकेंड राष्ट्रकूटा। तो हम राष्ट्रकूटा के बारे में स्टडी करेंगे। द पावर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेसिटी रोज वैन द चालुक्य डेंसिटी डिक्लाइन। देखो, चालुक्य डेंसिटी फिनिश होगा, उसका डिक्लाइनमेंट आएगा, तभी जो है वो दूसरा डेंसिटी जो है वो पावर में आएगा। ठीक है, तो राष्ट्रकूटी डेंसिटी कब पावर में आया, जब चालुक्य डेंसिटी डिक्लाइन हो गया था इन साउथ। इंदिरा और इंद्रवन, यानी इंदिरा और इंद्रवन जो थे और फर्स्ट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट किंग ऑफ दिस डेंसिटी। देखो, चालुक्य डेंसिटी के फर्स्ट किंग जयसिंह थे और राष्ट्रकूट डेंसिटी के फर्स्ट किंग कौन थे बेटा, इंद्र फर्स्ट या इंद्र फर्स्ट जो थे वो कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट किंग ऑफ दिस डेंसिटी। यानी कि राष्ट्रकूट डेंसिटी के फर्स्ट किंग कौन थे, इंद्र फर्स्ट थे। ठीक है, गोविंद थर्ड वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेसिटी। देखो, जो मेन है और मोस्ट पावरफुल किंग है उसके बारे में ही हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट किंग कौन थे, इंद्रावन थे। ठीक है, उसके बाद गोविंद थर्ड जो थे वो पावरफुल रूलर कहे गए राष्ट्रकूटा डायनेसिटी के। अब जो है वो हम टू स्टेट ऑफ द यादव डेंसिटी के बारे में बताएंगे। ठीक है, यादव जो है वो मिडिल डेंसिटी है, उसके बारे में यहाँ पे बोला नहीं गया है, बट इसके बाद जो है वो दूसरी डेंसिटी आई थी। ठीक है, सो यहाँ पे टू स्टेट ऑफ द यादव डेंसिटी एग्जिस्टेड अराउंड दिस टाइम इन गुजरात। तो इसी टाइम पे जो है वो यादव डेंसिटी के दो स्टेट जो थे गुजरात में एग्जिस्ट करते थे। फर्स्ट कौन था, देवागिरी और सेकेंड है द्वार समुद्र। देवागिरी और द्वार समुद्र जो थे ये दो ऐसे स्टेट जो थे जो यादव डेंसिटी के स्टेट थे एंड दे एग्जिस्टेड अराउंड दिस टाइम इन गुजरात। यानी कि जब राष्ट्रकूटा डेंसिटी जो है वो पावर में थी तब उस टाइम पे गुजरात में यादव डेंसिटी के दो स्टेट एग्जिस्ट करते थे, सिर्फ दो ही स्टेट एग्जिस्ट करते थे, उनके बारे में बोला गया। ये आपको याद रखना है, विच दे आर स्टेट्स आर दे स्टेट्स आर फर्स्ट देवागिरी, सेकेंड द्वार समुद्रा। द होयसल डेंसिटी, अब उसके बाद होयसल डेंसिटी आया था यादव डेंसिटी के बाद, रूल्ड इन द्वार समुद्रा एंड देवागिरी। तो देवागिरी और द्वार समुद्रा में जो रूल करने वाली डेंसिटी जो थी वो होयसल डेंसिटी कही गई एंड वॉज रूल्ड बाय द यादवास। ठीक है, तो यादवास के द्वारा ही रूल की गई थी ये डेंसिटी। तो यादवा की जो दूसरी डेंसिटी थी वो होयसल डेंसिटी कही गई थी। ठीक है, द्वार समुद्रा वॉज द कैपिटल ऑफ होयसल्स एंड देवागिरी। ठीक है, प्रेजेंट दौलतबाद, आज का जो प्रेजेंट का टाइम का जो दौलतबाद कहा जाता है वो उस टाइम पे देवागिरी कहा जाता था। ठीक है, तो कैपिटल ऑफ होयसल्स एंड देवागिरी जो थी एट प्रेजेंट दौलतबाद वॉज द कैपिटल ऑफ यादवास। तो यादवा की कैपिटल कौन बनी, कैपिटल ऑफ होयसल, यानी कि होयसल की कैपिटल कौन बनी, द्वार समुद्रा। और देवागिरी किसकी कैपिटल बनी बेटा, यादवा की कैपिटल। तो होयसल की कैपिटल द्वार समुद्रा और यादवास की कैपिटल देवागिरी।
आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कल्याणी चालुक्यास एम्पायर इन साउथ. तो कल्याणी पे भी चालुक्यास ने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया था, तो उनका उसका डिक्लाइनमेंट आ गया, तो न्यू किंगडम्स इमर्ज देयर. तो वहाँ पे नए किंगडम बने. ठीक है, तो डिक्लाइनमेंट जब भी किसी किंगडम का आता है तो वहाँ पे नया किंगडम इमर्ज होता ही है. ठीक है, तो वहाँ पे भी नए किंगडम इमर्ज हुए थे. सो दीज इंक्लूडेड काकातिया ऑफ वारानागल, काकातिया ऑफ वारानागल ऑल्सो. तो इसमें जो है वो वारानागल के काकातिया भी जो थे वो थे. दे रूल्ड ओवर द लैंड बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स. उन्होंने क्या किया, कृष्णा और कावेरी रिवर्स में जो है वो जो लैंड था वहाँ पे उन्होंने रूल किया था. वारानागल वॉज देयर कैपिटल. तो जो काकातिया जो थे उनकी कैपिटल कौन थी, वारानागल. वन मोर सच इम्पॉर्टेंट डेंसिटी वॉज पल्लव डेंसिटी. ठीक है, उसके बाद एक और डेंसिटी आई, वो पल्लव डेंसिटी कही गई. दिस डेंसिटी वॉज फाउंडेड बाय बप्पदेव और बापदेव. जो बप्पदेव थे, बप्पदेव ने किसकी कौन सी डेंसिटी की जो फाउंडिंग की थी, विच डेंसिटी वॉज फाउंडेड बाय बप्पदेव. दी पल्लव डेंसिटी वॉज फाउंडेड बाय बप्पदेव. ठीक है, देयर कैपिटल वॉज एट कांचीपुरम. तो अब जो पल्लव डेंसिटी थी उनकी कैपिटल कहाँ पे थी, कांचीपुरम में थी. और महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट एंड नरसिंह वर्मन सेकेंड. तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट और नरसिंह वर्मन सेकेंड वर द इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डेंसिटी. तो अभी हम कौन सी डेंसिटी पे हैं, पल्लव डेंसिटी पे हैं. पल्लव डेंसिटी के इम्पॉर्टेंट किंग कौन है बेटा, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट एंड नरसिंह वर्मन सेकेंड. दे वर द इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द पल्लव डेंसिटी. द रीजन वेयर तंजोर तिरुचिरापल्ली एंड पुदुकोट्टई जो थी, पुदुकोट्टई तंजोर तिरुपल्ली, ये तीनों जो है मतलब रीजन जो है वहाँ के रीजन जो है वो कहाँ पे लोकेटेड थे, चोल. ठीक है, द रीजन वेयर जहाँ पे तंजोर तिरुचिरापल्ली एंड पुदुकोट्टई, तंजोर तिरुचिरापल्ली एंड पुदुकोट्टई आर लोकेटेड इन चोल मंडल रूल्ड वर ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड. ठीक है, तो यहाँ पे किसका मतलब कि तंजोर तिरुचिरापल्ली और पुडुकोट्टई जो तीनों चीज़ जगह हैं, रीजन जो है वहाँ पे किसने अपना रूल किया था, चोल ने किया था, चोल मंडल. ठीक है, चोल मंडल, और वहीं से जो है वो चोल डेंसिटी का फाउंडिंग हुआ था. ठीक है, तो ये कौन से पीरियड पे किया था, मेडिवल पीरियड पे किया था, ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. तंजोर वॉज द फर्स्ट, तंजोर वॉज देयर कैपिटल. ठीक है, तो जो चोल डेंसिटी के जो लोग थे, चोल मंडल, उनकी कैपिटल कौन थी, तंजोर थी. राजा फर्स्ट जो थे, राजराज फर्स्ट और राजाधिराज फर्स्ट, राजाराज फर्स्ट और राजाधिराज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट, यानी ये तीनों आर आर से हैं. ठीक है, तो राजाराज फर्स्ट, राजाधिराज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट, ये कौन थे, तीनों वर इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ चोल डेंसिटी. तो ठीक है, आपको हर डेंसिटी के इम्पॉर्टेंट रूलर के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, तो चोल डेंसिटी के इम्पॉर्टेंट रूलर कौन से बेटा, राजाराज फर्स्ट, राजाधिराज फर्स्ट एंड राजेंद्र फर्स्ट. वन मोर सच एनिशियंट साउथ इंडियन डेंसिटी वॉज पंड्या. अब चोल डेंसिटी के बाद कौन है, पंड्या डेंसिटी है. द पंड्या किंगडम वॉज स्मॉल बट इट वॉज अ लार्ज सेंटर ऑफ ट्रेड. ठीक है, तो मतलब पंड्या किंगडम तो काफ़ी छोटा था कंपेयर टू अदर किंगडम्स, अदर जो डेंसिटीज़ हमने पढ़ा अभी तक की साउथ इंडियन डेंसिटीज़ के बारे में, तो उसके कंपेयर में पंड्या डेंसिटी का जो किंगडम है वो काफ़ी स्मॉल था, लेकिन लार्ज सेंटर ऑफ ट्रेड, लेकिन ट्रेडिंग सेंटर के की बात की जाए तो काफ़ी लार्ज था. एट दैट टाइम वन ऑफ द रीजन्स विच गॉट सेपरेटेड फ्रॉम तमिल. तो उस टाइम पे एक रीजन वहाँ से सेपरेट किया गया तमिल में से, वॉज रूल्ड बाय चेर डेंसिटी. ठीक है, तो तमिल में ये जो है वो तंजोर तिरुचापल्ली और
पुडुकोत्तई जो है वो ये जो रीजन्स है वो तमिल के रीजन्स है, ठीक है। तो वहाँ पे जो चोल डायनेस्टी ने जो है वो रूल किया था, लेकिन उसमें से जो है वो तमिल में से जो रीजन जो सेपरेट किए गए वहाँ पे चेर डायनेस्टी ने अपना रूल किया था। अनदर नेम ऑफ चेर इज़ केरला और मलयालम। तो तमिल के बाद जो दूसरे मतलब स्टेट्स आते हैं वो केरला और मलयालम, ये दो जगह ऐसी जो है जहाँ पे तमिल और केरला जिसको मलयालम बोलते हैं वहाँ पे जो है वो चेर डेंसिटी ने अपना रूल किया था। अयान वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ चेर डेंसिटी। तो चेर डेंसिटी के फर्स्ट रूलर कौन थे बेटा? अयान। एंड सेतुंगवान वॉज द बेस्ट चेयर रूलर, ठीक है। तो फर्स्ट चेयर रूलर, चेयर डेंसिटी के रूलर आपको पूछ सकते हैं तो वो कौन थे? अयान। और बेस्ट चेयर रूलर कौन था? ये फर्स्ट थे, ठीक है, बट बेस्ट जो थे वो सेतुंगवान जो थे वो चेयर डेंसिटी के बेस्ट रूलर कहे जाते हैं, ठीक है। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजपूत एरा। तो राजपूत एरा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।